जी, तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। और क्या है मेरा सेकंड लुक, मैंने क्या पहना है वो आप मेरे झुमके से गेस करते हो। ये झुमका इसलिए अलग है क्योंकि मैं इस पर नेल पेंट किया था, क्योंकि मैं किसी ड्रेस के मैचिंग करने वाली थी बट नहीं हो पाए, तो इसलिए ये काम मेरा है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा सेकंड आउटफिट क्या है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छे तो मेरे को फर्स्ट वाला था, पर दिस इज़ माई सेकेंड लुक। इसकी मेरे को स्लीव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको मेरा फर्स्ट वाला ज़्यादा अच्छा था या सेकेंड वाला। मेरे लिए तो दोनों ही थे क्योंकि मैं दोनों ही अपने पसंद के लाई हूँ। और मैं कंफ्यूज हूँ, इस पर दुपट्टा है ये सिंपल सा, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये शादी वाला दुपट्टा यूज़ करूँ, लाइक शादी वाला। आई नो ये इस पर मैच नहीं होता, बट मैं इसी को किसी तरह एडजस्ट करके दुल्हन बन जाएंगे। और आज हमारा फास्ट है, तो कब निकलेगा चंदा मामा बहुत ज़्यादा देख कर। इसको आई थिंक मेरे को थिनर से हटाना चाहिए था, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास थिनर पता नहीं कहाँ रखा है। ऊपर तो भूखी हूँ। और इसका बैक कुछ ऐसे है, पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय। तो अमन पता नहीं सुबह से उधर ही लगे हुए सारे आज, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अमन टुडे। बट कोई नहीं, काम भी ज़रूरी है, वाइफ भी ज़रूरी है वैसे तो, बट इट्स ओके, कुछ कह नहीं सकते। तो अब मैं हो जाती हूँ थोड़ी सी और तैयार, निकालने में डालने में। यहाँ से ना देखो पेन रेड रेड हो गया थिनर, और अब इसको इससे उतार रही हूँ क्योंकि मेरे को रेड कलर का झुमका नहीं उड़ा था, तो मैंने इस पर नेल पेंट लगा दी थी। तो लेट्स सी कि उतर पाएगा या नहीं। वाओ ये तो उतर गया, देख सकते हो अब दोनों मैच हो गए। आई एम रेडी, अब अमन आएंगे, अमन नहीं आएंगे, चांद आएगा जब फास्ट खुलेगा। तो ओके जी, बाय बाय। कदली कड़ेगा चार, मैं दो बार देखा ही। हाँ सर चपक चपक, देखो जी आगे है जिस तरह व्रत रखा है, सारे दिन का कोई भेद नहीं था इन मानसा का। मैं व्रत तोड़ लूँगी तो इतनी लंबी उम्र बधेरी, सुबह तो लेकर रात ही इतना है बस, इतने बस की था। हाँ इतना बस की था, पर लो इस बार अमन मेरे लिए फास्ट नहीं रहेगा इस, नहीं तो जितना हमने अमन ने चाचा और ने और अमन कजन ने, अमन प्लीज जितना रखा है ना उतना क्या? तो किसी ने रखा होगा, किसने नहीं रखा, आपने इस बार आपने व्रत क्यों नहीं रखा मेरे लिए। मैं काम करूँ और व्रत रखूँ, यह चीज तो हम भी कह सकते हैं कि थार द्वारा ईसा काम ना था तब ना खुद भी बेरा कि मैंने किसा काम करा है। मैं कह सकती हूँ कि भाई हम क्यों भूखे दम, मेरे हाथ की हालत देखो किसा हाथ हो रहे हैं, नो पाटे टूटे कि तो चर पाट रहे कि तो खून आ रहे हैं। मेरा ना तेरी वाइफ आज भूखे पूरा दिन, एक मतलब एक इंसान पूरा दिन हाथ में देख कितने छाले हो रहे हैं, 5 मिनट भी टेंस पेन नहीं किया इस बंदे ने, और तारीफ में दो शब्द भी नहीं कहा कि भाई अच्छी लग रही है प्यारी लग रही है। तारीफ तो जब होगी ना जब मैं घर में कड्डूंगा, तो यही तो इंसान तेरे लिए भूखा है ना, कोई बात ना ईद खवा लूंगा। अब तू क्या खिला के लेगा, अभी मम्मा अपने आप पे खा लेंगे, बस तू चांद कटवा दे अपने आप पे खा लोगे। हाँ, बाहर ना जाओ खाना बनो खाना, तू चांद कटवा दे फिर तो हम अपने आप खा लेंगे, तू चांद दिखवाड़ा दे। हाँ मैं लिखवाऊँ करूँ चाइना फोन में खाए नकली चांद भेजो, चांद वाले को मैं भी काट सके चाइना के, तो चांद चूंद कुछ भी। भूख लग रही है, सारी कितने भारी हो गया बुरे वाला। चल अमन चांद लिखड़ आया, चलो चांद आया। अरे लेके केक के जाना है तो बता दो, पानी पत ले तो डालो यार, हिम्मत ना मेरे अंदर कुछ भी। खाया पिया मन ने ना है चक्कर में है मन, क्या है दो समोसे पड़ गए हैं और दो कटोरी दो गिलास पेप्सी ठोका है।
और बिस्कुट चाय नमकीन खा का है। अब मैंने सुबह कहा था कि चाय ब्रेड ले लो, पर ना ना भी इस बार मेरे लिए बर्तन नहीं रहे क्योंकि संडे था ना। देखते हैं गाइस अमन का क्या गिफ्ट होगा। संडे हर संडे मैं बिजी हूँ। मैंने सोची तू रोहिणी गया है ना, मेरे को थी रोहिणी जाऊंगा, तूने कहा था ना रोहिणी जाऊंगा, मैंने सोची तू मेरे लिए गिफ्ट लाने गया। रोहिणी जाना था पर जा ही नहीं पाए। मोए 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 ना, मेरा मेरे भाइयों का प्लान था रोहिणी जाने तक का। केक केला हुए सामान लेकर आना था बहुत। अरे लुगाई भूखी। अरे हम तो खाया थे। हां तो खाया थे। थारा लिया थे। डरो कुछ तो डरो डरो। चांद कड़ाया है, मम्मी ने बता दी है कि भाई चांद आ गया है। मम्मी आ गया चांद। कति सही दिखा है। केक लेके जाना है। पूरा चांद अभी जोत बना लो। जोत बना ली तुमने। और भावना थाली में क्या क्या इधर लिया? मेरे करवा चौथ की थाली हुई तैयार। दो मिठाई पानी और छन्नी। केक होते मी भावना को वो जो चावल है वो बना लेती हूं। और दूसरा क्या करना है? उसने चांद में पानी देकर खोल दिए हुए। अरे भी हो गए मैं रहे बार खोल कर नहीं। वो मैं तो दूसरे को पट्टे में कोई ना लिया जाके ये देख लो। और ये देख लो गाइस चुन्नी में धर रही है बेरा की खजाना दाब रही है। देख ले खजाना मेरे के नहीं फलाया है। सब कम बार करना अपने के ना कर लेती कमे। अबे शर्म मैं तो बत्ती मैं तुम्हारती आऊं अपने से धर लेती। ओड़ी बात ये देख लो। ओड़ी बात साबत दिन की बैठी है आराम से घर में। क्यों बाहर के कर लिया थे? मैंने के नाटी थी क्या बात है समझदार बच्चे चले। थाली में धर लिया भाई ने अपने चट्ठे काजू कतली सोन पापड़ी पानी बस चाल चांद के दूध दाद भी ले लेके मीठा दूध कितना नाग तो प्या का होगे नागिन ते नागिन पानी पी लेगी पहला। पकड़ो चलो चलो चल हमारा तो चांद निकल आया है। अरे इसका कितना इंतजार था मन सुबह से लेके फाइनली चंदा मामा निकल आया। आ जा चलो बस यहीं भी कर लेंगे ना इतनी। तो फाइनली चांद निकल आया और फिर उसके बाद मैंने अपनी स्टार्ट कर दी थी अपनी पूजा और फिर पूजा करके मैंने अपना फास्ट खोला और फिर मैंने खाई अपनी फेवरेट मिठाई काजू कतरी और सोन पापड़ी। और मैंने गिफ्ट में क्या मिला वो अभी सस्पेंस है क्योंकि कुछ नहीं मिला वो ही सस्पेंस है। तो बस पानी दिया चंदा मामा को अमन को देखा और बस अपना फास्ट खोलिया। इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी एकदम से तो बस अभी सोचा कि हम कहीं बाहर खाना खा के आएँ क्योंकि मैंने और मम्मी में हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी घर पे बनाने की। तो बस उसके बाद अपने चाय के नीचे पहले तो चाय पी थोड़ी सी क्योंकि उससे सर दर्द ठीक होता। फिर चाय पीते ही कपड़े चेंज करते हम तो चारों निकल गए फैमिली डिनर पर क्योंकि घर पे कौन बनाता और फिर किसी में हिम्मत भी नहीं थी मेरे मम्मी में। तो हमने सोचा चल गया बाहर ही खाओ कभी तो फैमिली डिनर भी हो जाएगा हमारे साथ सब में और टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो हम चले गए अपने खाना खाने के लिए रात को। तो हम थोड़ी लेट गए क्योंकि हमने चाय और थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का खा लिया था। फिर काफ़ी थोड़ी सी 10-5 मिनट वेट करने के बाद फिर फाइनली हमारा खाना आ गया। तो हम खाना खाने के लिए आ गए चारों फैमिली डिनर। तो खाना काफ़ी अच्छा था और ये था मेरा दूसरा सूट तीसरा सूट तीसरा आउटफिट हमने वाली बात है। आज तो तैयार ही होना है नए नए लत्ते पहने थमने। बस उसके बाद अपने खाना खा के आगे हम घर पे। तो मेरा करवा चौथ तो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद फाइनली हम आगे घर पे तो थोड़ी सब्जी बची गई थी तो हम अपनी सब्जी भी ले लिया है। मैं कहा कोई ना सुबह काम आ जाएगा सुबह कौन बनाओगा। यो है मेरा आज का तीसरा आउटफिट। अरे हम खाना खा के आगे हैं। ये देखो फेस पर ग्लो न्यारा आ रहा है।
और इतनी जोर तक भूख लग रही थी। अब मैं तेन सोचू थी मेरे कुछ मिलेगा या ना मिले खाने ने, कद घर आया कर ना बनाना पड़ जा मन ये और मम्मी ने अमन कद नू हो कद अमन घर आया कर बनाना पड़ जा। मतलब उन्हें हालात नहीं लगे, ऐसे लग रहा था कि भाई सब कुछ बंद तो नहीं हो गया। वो साढ़े 9 बजे गए थे, मैं तेन उडर था कद घर आमने ना बनाना पड़ जा, दो बार तो सुन देना पड़ जा कि चल चल आई थी खान बार। और अमन कैसा रहा आपको करवा चौथ? ठीक है, अच्छा था। फोन रख दो सारा दिन, अब मिला टाइम। ये देखो चोर की डाडी में तिनका मिठाई खाका है, देखो देख देख कितना तो जना खाका है। तो मेरा गिफ्ट करवा चौथ का गिफ्ट है, खाना खा के तो आ गए अभी पेट भर के मस्त। कंजूस पति कहते इसे, कंजूस पागल। मैं तेरी उम्मीद नहीं बढ़ाना चाहता किसी भी चीज को लेके, उम्मीद है कहाँ इसीलिए तो नहीं बढ़ाना चाहता, बाद में तू उम्मीद रखेगी फिर तेरा खून फूकेगा। मेरा वैसे भी फूकता है, इसीलिए वो वैसे ही फूक ले, वो बढ़िया है, उम्मीद के साथ फूकेगा वो गलत हो जाएगा, इसलिए देने का ही नहीं है, उम्मीद रखवाने का ही नहीं, देने का नहीं बोलने का। तुम जैसे हस्बैंड होगा क्या होगा, मतलब क्या किया जाए ऐसे हस्बैंड का, ऐसे हस्बैंड होगा क्या खराबी है? एक तो आपके लिए बढ़ती रहते पूरा दिन कुछ नहीं खाते, नहीं क्या खराबी है बताना जरा, गिफ्ट नहीं दिया इन्होंने मेरे को। तो अमन खाना कैसा लगा आपको? खाना अच्छा था मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने तो पहले टेस्ट कर रखा था एक दो बार। तो मतलब ये था कि अपनी रसोई में गए थे, मतलब बगल में ही थी, लेकिन अमन ने पहुँचाते पहुँचाते आधा घंटा हो गया नू 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 अंडे डांडते हैं भैया। वो खाना नहीं खाया था ना सुबह से इसने भी, मतलब बढ़ती नहीं है पर खाना इन्होंने खाया नहीं था ना, तो वो भूख के मारे दुकान दिखी ही नहीं कि हाँ ये। अरे मैं चट्ठो में था सुबह से, कह सकते हो चट्ठे में था आज। आज मैंने चाय पी, चाय समोसे कोल्ड ड्रिंक रसगुल्ले, इससे अच्छा तो नहीं खाते तो आपका आप मेरे लिए व्रत रखते, मेरी लंबी उम्र थी कौन फास्ट रखेगा, आपकी तो होगी लंबी उम्र। देख अगर मैं व्रत रखता तो मैं काम नहीं कर पाता, अच्छा। और काम नहीं कर पाता तो मैं फिर इस काम को अगले संडे करता, और अगले संडे मेरे पास टाइम है नहीं, क्योंकि मेरा हर संडे ऑलमोस्ट 3-4 संडे पैक हो चुके हैं, काम से ही पैक हो चुके हैं। देख मेहंदी रंग नहीं आया है ना, खास नहीं आया, इतना तो नॉर्मल आता ही है, प्यार नहीं करते ना। और मेहंदी की कमी होगी मैंने खराब जगह लगवाई होगी। हाँ अट्रैक्शन, हाँ तो क्या कह रही थी मैं, खाना अच्छा था। तो आज का ब्लॉग यही होता है करवा चौथ का खत्म, ये मैं थक गई बहुत ज़्यादा, ये मेरा लास्ट आउटफिट, गुड नाइट।